सबसे पहले भोजपुरी देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और भोजपुरी चैनल्स जो भी यहाँ पर वो माइक में यहाँ पे लगे हुए हैं। मेरा नाम है सोनालिका प्रसाद और अभी मेरी फिल्म 12 जुलाई को फिल्म रिलीज हुई थी राज तिलक, और फिर इस दौरान इस साल में मैंने कम से कम 5-6 फिल्में की हैं, जो कि लाला मजनू राजकुमार पांडे जी की फिल्म है, तीसरी चौथी फिल्म मैंने सेम इंडिया कॉमर्स ई कॉमर्स के प्रोडक्शन में किया जिसका नाम सड़क धनिया है, ये तीन हुआ, फिर चौथा मैंने कलाकार किया पराग पाटिल जी की वो फिल्म है और वो कल्लू जी के साथ है, और पांचवा जो है वो मैं अभय सिन्हा जी के बैनर प्रोडक्शन की वो फिल्म है जिनका नाम है रॉबिन हुड पांडे जी। तो आने वाली जो फिल्में हैं अभी आपकी जो दर्शक देख पाएंगे जिनमें आप अभी इस समय अभिनय कर रही हैं, आने वाली तो यही है, जितनी जो भी मैंने मूवीज के नाम लिए हैं वो सारी मूवीज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक दो मूवी की बात करें जैसे कलाकार हो गया या रॉबिन हुड पांडे हो गया, तो उसके सब 10-20% जो है वो शूट रह गए हैं, और आने वाली फिल्म्स हैं लेकिन अभी राइट नाउ वो फ्लोर पर नहीं गई हैं तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इवेंट्स वगैरह पे अभी मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ जी। तो अभी थोड़ा सा भोजपुरी में चेंज हुआ है क्योंकि आप जो है कि आप जैसी फिट एकदम हीरोइन दिखना शुरू हुई है, इसका क्या राज है, क्योंकि आप लोग कितना पसंद करते हैं भोजपुरी को, पहले ऐसा नहीं होता लेकिन अब जो है फिट हीरोइन सुंदर हीरोइन आना शुरू हुई है। नहीं, सुंदर तो लड़कियां शुरू से रही हैं लेकिन वो दर्शकों की डिमांड रहती थी कि उनको थोड़ा सा हेल्दी बल्की चाहिए था, अब क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, एरा चेंज हो गया है, ऑडियंस के टेस्ट चेंज हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि टेस्ट चेंज हुआ है तो अभी सारा हेल्दी और फिट का ज़माना है थैंक्स टू सोशल मीडिया, तो इस वजह से सारी हीरोइन जो कि थोड़ी बहुत फैट और बल्की हो गई थी बिकॉज ऑफ ऑडियंस डिमांड, वो भी अब वापस से बैक टू देयर बॉडी शेप में आ गए। चलिए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि जितने हीरो के साथ आपने काम किया है अभी सब 2-in-1 है, वो गाते अच्छा है और एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, तो हीरोइन भी क्या शुरू करेंगी गाना भी? कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया है। हाँ, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है लेकिन ऑल इज अबाउट लक, सब किस्मत के ऊपर है, जैसे रवि जी हैं वो तो ही इज नॉट सिंगर लेकिन वो बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, बाकी जो भी हैं हाँ ठीक है, बिकॉज अब क्योंकि स्टेज शोज करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है और लोग ज़्यादा उसे अट्रैक्ट होते हैं जब वो किसी स्टेज पे जाते हैं और सिंगिंग परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है जी। चलिए बात करेंगे लैंग्वेज की, भोजपुरी लैंग्वेज है, कितना अच्छा लगता है जब आप डायलॉग पढ़ती हैं और इस तरह से आप परफॉर्म करती हैं, और अब कितना लोगों को बताने में कितना अच्छा लगता है मैं भोजपुरी में, पहले थोड़ा सा लगता था लेकिन आज क्या, आज भी है इस तरह का सवाल? नहीं, आज मुझको नहीं लगता कि इस तरह का कोई सवाल है क्योंकि अभी रीजनल बेस्ड फिल्में बहुत ज़्यादा अच्छी बन भी रही हैं, और इनफैक्ट अगर आप फिल्म अच्छी बना रहे हो तो बॉलीवुड वाले जो हैं वो आ करके आपकी स्टोरी को लेते हैं और अपने फिल्मों में डालते हैं, ऐसी बहुत सारी मराठी साउथ की फिल्में हैं, मैं दिलो जान से चाहूंगी कि भोजपुरी में भी वो जल्द ही ऐसा दौर आए, कुछ ऐसा वो पल आए कि एक फिल्म ऐसी बने जिसमें बॉलीवुड वाले बोले कि हम इसका रिमेक बना रहे हैं। नहीं लेकिन ये तो है ना कि भोजपुरी के कई गाने जैसे लॉलीपॉप हो गया और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिन पे सलमान खान शाहरुख खान ने भी डांस किया है, तो अच्छा लगता है ना कि यार ये तो बहुत 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 प्राउड फील होता है, इनफैक्ट मुझको बहुत प्राउड फील होता है, और अब तो मैं शान से बोलती हूँ कि हाँ मैं भोजपुरी कर रही हूँ, और अब ये पूरा ओपन मार्केट हो गया, नहीं कह सकते कि अच्छा भोजपुरी कर रहे हैं तो आप हिंदी फिल्मों में नहीं आ सकते हैं थैंक्स टू कुछ एक्टर्स की वजह से, तो ये चीजें जो बंदिशें थी वो नहीं है। आपके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे फिल्मों में आए, हाँ, कैसे आपने आए और कैसा आपको चाहो, और क्या हिंदी भी फिल्में अभी आप करने वाली हैं? हिंदी फिल्में मैंने एक की है जाखो राधे सानिया, वो भी अभी थोड़ी आधी अधूरी है, और बॉलीवुड में भी करना ही करना है लेकिन अभी राइट नाउ फोकस मेरा भोजपुरी है, और मैं चाहूंगी कि भोजपुरी के साथ साथ मैं हिंदी फिल्मों पर भी ध्यान दूँ। और फिल्मों में मैं कैसे आई, तो ऑब्वियसली इससे पहले जब मेरी इंटरव्यू कभी हुआ था तो उस दौरान मैंने बताया ही था कि मैं इमिडिएटली आफ्टर 10th पास मैंने एंकरिंग करना शुरू कर दिया था दूरदर्शन में, फिर ईटीवी में गई, फिर जितने भी लोकल मीडिया चैनल वहाँ के थे वहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया, फिर टीवी सीरियल्स में आए, टीवी सीरियल्स के बाद फिर लगा अब क्या करूँ, तो भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी फिल्म के बाद फिर देखते आगे क्या होता है।
और मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूँगी जो मेरे लाइफ का मुझको लगता है कि काइंड ऑफ टर्न ओवर है. मैंने सबरंग फिल्म अवार्ड जो है उसको होस्ट किया और काफ़ी मज़ा आया मुझको. सबसे पहले मैं थैंक्स उन लोगों का कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया. और मैं दो तीन नाम तो ऑब्वियसली लेना ही लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझको ऐसा सजेस्ट किया कि यू शुड बी एन एंकर इन दैट. तो सबसे पहले नाम प्रणव जी का मैं लेना चाहूँगी जो सिनेमची लाइव के उनका शाम 7:30 बजे आता है. लाइव इट्स अ वेरी लाइव शो रिगार्डिंग सिंगिंग. जो भी आपके गाने के डिमांड है वो आप बोल सकते हो. और दूसरा मैं उदय भगत जी का नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने भी मेरे पर ट्रस्ट दिखाया. एंड फाइनली कुलदीप जी का जो कि उन दोनों के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और फिर उस भरोसे पर मुझको ये सबरंग फिल्म अवार्ड में एंकरिंग करने का मौका मिला. और दूसरा मैं थैंक्स उनको कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझको डांस परफॉर्मेंस करने का मौका दिया इन सबरंग. थैंक्स टू अभय सर, थैंक्स टू रत्नाकर सर, और कि उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं तुम्हारी फिल्म आई है एंड यू आर अ गुड डांसर सो यू शुड डू डांस इन सबरंग. जी बात करेंगे और किस प्रकार का और रह गया है अगर आपको रोल मिले जी. तो कैसा रोल आप करना चाहेंगे? फिल्में तो आप कर रहे हैं लेकिन मन मुताबिक वैसे उनके हिसाब से आता है डिमांड. आपकी डिमांड क्या है, क्या रोल मिले आपको और वो करूं मैं करके दिखाऊं? एक तो मुझको फिल्म हमेशा बहुत अच्छी लगी थी फिल्म चालबाज. मुझको वो चालबाज करना सेम सेम मैंने फेवरेट हीरोइन होंगी आपकी वो. हाँ श्रीदेवी का मैंने उनका लेट श्रीदेवी जी का मैंने देखा था चालबाज. उसके बाद से मैं वो मिमिक्री करना शुरू की थी बहुत छोटी थी और वो फिर केबल्स में हमेशा ना चलता रहता था पुराने जमाने के बाद. सीधा गीता भी देखा मैंने बट आई डोंट नो व्हाई मुझको चालबाज से मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कनेक्ट कर पाई. और ऐसा बात करें तो विद्या बालन की भी एक्टिंग मुझको बहुत अच्छी लगती है. तो उन्होंने जिन जिन अच्छी अच्छी फिल्मों को गद्दार निभाया है तो ऐसा थोड़ा एक सेंसिटिव काइंड ऑफ रोल भी करना चाहूँगी. बात करेंगे आपकी पर्सनल थोड़ी सी बात करेंगे. दर्शक आपको देख रहे हैं चाहते हैं और भोजपुरी बड़े दिल फेक होते हैं वो आर्टिस्ट जो देख रहे हैं ना अभी इस समय यूट्यूब पे या जहाँ पे तो बड़ा पसंद कर रहे हैं आपको. तो वो जानना चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा चीज क्या है. कभी आपको मिल गए बर्थडे वगैरह आपका जन्मदिन रहा तो आपको भेंट स्वरूप दें तो क्या पसंद है आपको? मेरा बर्थडे वैसे 5 अक्टूबर को है जो कि आने ही वाला है. ठीक है. और मुझको भेंट में जो कुछ नहीं चाहिए बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इंटरव्यूज़ को देखिए और जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको पसंद कीजिए. और अभी हाल फिलहाल में 15 सितंबर को आने वाला है रात 8 बजे बिग गंगा चैनल पर बिरहा के बाहुबली. उसमें हर एक सेलिब्रिटीज आते हैं 2 एपिसोड को और फिर वो एंकरिंग करके चले जाते हैं निरुवा जी और मनोज टाइगर जी के साथ. तो इस बार मेरा जो है वो 3 एपिसोड का इन्होंने किया और इट्स काइंड ऑफ अ स्पेशल एंट्रेंस है जो कि मैंने एक एक्ट किया विदेशी बहुरिया का. तो वो 3 एपिसोड का जाएगा. सो ये 15 सितंबर को आएगा देन फिर नेक्स्ट सैटरडे और संडे को रहेगा. चलिए तो लड़कों के लिए आपने बता दिया कि अब बर्थडे आने वाला है तो आपको जो है आपके घर पे फूल वगैरह पसंदीदा चीज आएंगी. लड़कियां आपको देखेंगे फॉलो कर रही हैं कि यार आप तो हीरोइन बन गई हम भी बन सके हीरोइन. तो कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री में आना और अपने आप को स्ट्रगल करके इस तरह इस मुकाम पे पहुंचना जहां पे आप पहुंची हैं. मुझको लगता है कि जब हम पैदा होते तब से स्ट्रगल ही करते हैं. जब माँ की कोख से जब जन्म लेते हैं उस समय से हमारी स्ट्रगल पीरियड जो होती है वो शुरू रहती है. कई बार हमें वो स्ट्रगलिंग पॉइंट याद रहता है, कई बार नहीं याद रहता है. लेकिन जिस काम को करना आपको पसंद है उसमें वो कभी भी आपको मुश्किल एक चैलेंजिंग लगेगा और उस चैलेंज को पार करना काइंड ऑफ फन लगेगा. जैसे हम लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि एक लेवल के ऊपर हम लोग आगे जाएँ. तो मेरे लिए तो ये स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मुझको ये लगता है कि हाँ लाइफ का मैं एक लेवल पार कर रही हूँ और जहाँ मुझको जाना है वहाँ तक बस पहुँचना है, एंड करना है गेम का. क्या क्या कहेंगे उनको जो नवयुवक अभी देख रहे हैं, 16 साल से लेकर 25 वर्ष की लड़कियाँ हैं या लड़के हैं वो भी आपकी फिल्में देखकर सोच रहे हैं कि हम भी इस मुकाम तक पहुँचे, तो 2 लाइन में या 3 लाइन में आप क्या कहेंगे कि देखिए कितना संघर्ष भरा है, क्या करना चाहिए उनको, एक छोटा सा उनको एक क्यू मिल जाए, टिप्स मिल जाए ताकि वो आगे बढ़े. टिप्स सबसे पहले ये कि एजुकेशन आप लोग अपने कंप्लीट करिए. एजुकेशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए. अगर आपको अपनी दिली इच्छा पूरी करनी है और आपका एजुकेशन वेरी स्टार्टिंग पीरियड ऑफ स्टेज पर अगर आप है तो दोनों को साथ साथ करिए. अगर आपको लगता है कि आप अपना एजुकेशन और अपना काम जिस मुकाम पर आप पहुँचना चाहते हैं दोनों को अगर आप संभाल पा रहे हैं जैसे कि मैंने किया था, तो अगर आप संभाल पा रहे हैं और आपको बहुत मज़ा उसमें आ रहा है तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे. जी
तो और कुछ रह गया होगा जिसे आप अपने ऑडियंस को कहना चाहती हैं और जो हम पूछना भूल गए होंगे तो आप प्लीज कह दीजिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, सारे सवाल तो आपने कर ही दिए, इतने अच्छे से आपने सवाल किए हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भोजपुरी को बहुत सारा प्यार दीजिए, और यूट्यूब पे तो आप लोगों ने जम करके प्यार दिया है, वैसे ही सिनेमा घरों में भी प्यार दीजिए। मुझको पता है कि दौर थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे यूट्यूब खोल करके जितने ट्रेलर जितने बंचेस में मैं देखती हूँ ना, उतने मुझको थिएटर्स में नहीं दिखते मुझको दर्शक। तो मैं चाहूँगी कि फिल्म बनाना काइंड ऑफ अ वेरी टफ जॉब है, एक फिल्म को बनाने में प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर जितने भी टीम के लोग होते हैं बहुत दिल से बनाते हैं। तो प्लीज़ कम से कम आप लोग सिनेमाघरों में चाहिए और फिल्मों को देखिए, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी फिल्म हो। थैंक यू।